नमस्कार दोस्तों, सीसी के इस लाइव लेक्चर्स में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज एक बार फिर हम हमारी विशेष श्रृंखला हिंदी भाषा और हिंदी काव्य, इसके तहत चर्चा करेंगे विद्यापति के काव्य में सौंदर्य और प्रेम। और इस सेशन के लिए एक बार फिर से हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर विनीता कुमारी। डॉक्टर विनीता कुमारी स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज के हिंदी विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर हैं, और आप सभी से साझा करना चाहेंगे कि नित्य सीसी के लाइव लेक्चर्स के माध्यम से आप तक पहुँचती हैं और शिक्षा के क्षेत्र में अपना अहम योगदान दे रहे हैं। मित्रों, अगर आज आप डॉक्टर विनीता कुमारी से प्रश्न पूछना चाहते हैं विद्यापति के काव्य से संबंधित, तो आप सीधे हमारे स्टूडियो में हमसे संपर्क कर सकते हैं हमें कॉल कर। मित्रों, आप हमारे टोल फ्री नंबर के जरिए डॉक्टर विनीता कुमारी से प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-110-430। नंबर आपको पुनः बता देती हूँ, हमारा नंबर है 1800-110-430। मित्रों, आप सभी से निवेदन है कि आप लेक्चर के आखिरी 10 मिनट में कॉल करें, जिससे कि हम आपके लिए ये लेक्चर आयोजित कर पाएँ और इस लेक्चर को आयोजित करते वक्त कोई भी दिक्कत या परेशानी का सामना ना आपको करना पड़े ना हमें, और अंत में जो भी जिज्ञासाएँ हैं उनको तृप्त करने की पूरी पूरी कोशिश हम करेंगे। तो आइए हम स्वागत करते हैं डॉक्टर विनीता कुमारी का, और विद्यापति के काव्य में प्रेम और सौंदर्य इस विषय पर आज इनसे हम ज़्यादा जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो डॉक्टर विनीता कुमारी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद गीतिका। नमस्कार मित्रों, आदि हिंदी साहित्य के आदिकाल और भक्तिकाल की संधि काल में हमारे कवि विद्यापति आते हैं। विद्यापति मूलतः सौंदर्य और प्रेम के, यौवन और श्रृंगार के कवि हैं। इन्हें रस सिद्ध कवि कहा जाता है। इन्होंने अपनी कविता में जिस तरह से रस की अभिव्यक्ति की है, जिस तरह से रस को प्रस्तुत किया है और रस को जिया है, क्योंकि कविता इनके लिए जीवन थी, कविता में इनका जीवन पूरी तरह से उभर करके आ गया है, और इसीलिए इन्हें रस सिद्ध कवि कहा जाता है। संस्कारी ब्राह्मण वंश में जन्म लेकर भी विद्यापति ने मर्यादा और आदर्श की बैसाखियों के सहारे चलना स्वीकार नहीं किया। वे इस मान्यता के कवि ही नहीं थे कि जो वे कह रहे हैं उसके ऊपर कोई आवरण चढ़ा दिया जाए। जैसे हम देखते हैं रीति काल में राधा और कृष्ण का आवरण लेकर के और उनकी भक्ति के माध्यम से श्रृंगार रस को प्रकट किया गया। रीतिकालीन कवि स्पष्ट कहता है, आगे के कवि रीझी है तो कविताई, न तो राधा कनाई सुमिरन को बहानो है। तो इस तरह से किसी बहाने की आवश्यकता विद्यापति को कभी नहीं पड़ी। उन्होंने जो भी कहा खुलकर स्वतंत्र रूप में कहा। विद्यापति जो भी रचना करते थे पूरी ईमानदारी और तन्मयता के साथ, किसी बहाने को किसी माध्यम को वे बीच में नहीं लेते हैं। सौंदर्य की छवियों में उलझे जब वे सौंदर्य का वर्णन करने लगे, जब उन्होंने नायिका के अथवा नायक के सौंदर्य के वर्णन करना प्रारंभ किया, तो एक से एक सुंदर छवियां उतारते चले गए। कितनी मधुर छवियां सौंदर्य की उनकी पदों में उभर करके आई हैं। यदि वे श्रृंगार की ओर बढ़े, श्रृंगार रस का वर्णन करने लगे, चाहे वे संयोग श्रृंगार का था अथवा वियोग श्रृंगार का, तो संयोग और विरह की अनगिनत स्थितियाँ प्रस्तुत कर दी। जैसा उनसे पूर्व के कवि भी ऐसी स्थितियां ना विचार कर पाए और ना प्रस्तुत कर पाए जो विद्यापति ने प्रस्तुत की, और आने वाले कवियों के लिए एक नया मार्ग स्थापित किया। और लोक जीवन की ओर यदि मुड़ते हैं, सौंदर्य की ओर मुड़े, तो सौंदर्य की अनेकों छवियां प्रस्तुत कर दी। श्रृंगार की ओर बढ़े तो श्रृंगार की ऐसी अनगिनत स्थितियां पाठकों के सामने रख दी जो पहले से कोई परिचित भी नहीं था। और इसी तरह से जब लोक जीवन की ओर मुड़ते हैं, लोक की बात करते हैं, तो कितने ही सम विषम, सहज असहज स्थितियों को
शब्दबद्ध कर दिया करते हैं। विद्यापति चाहे दरबारी कवि रहे, अनेक उनके आश्रयदाता रहे, कीर्ति सिंह के दरबार में भी रहे, भाव सिंह के दरबार में, देवी सिंह के दरबार में, राजा शिव सिंह के दरबार में रहे, दरबारी वातावरण को उन्होंने स्वयं अनुभव किया। उन दरबारी वातावरण के जो सकारात्मक नकारात्मक पक्ष थे, जो भी वहाँ का जीवन था, जैसा जीवन था, उनको उन्होंने स्वयं अपनी आँखों से प्रत्यक्ष देखा था। परंतु वे पूरी तरह से दरबारों में रहते हुए भी दरबारी संस्कृति में रमे नहीं। जब वे कविता करते हैं तो कविता में श्रृंगार रस का वर्णन करते हैं, दरबारी वातावरण को देखते हुए, राजा महाराजाओं की विलासिता को देखते हुए, उनकी रुचि के अनुरूप कविता करते हैं, तो वहीं दूसरी ओर उनकी कविता लोक जीवन से जुड़ी हुई है। लोक के सुख दुख को वे अपनी कविता में, अपने पदों में प्रस्तुत करते हैं। कोई भी जो कवि है, वे अपने युग से ही प्रभावित होता है। युग की जैसी स्थितियाँ परिस्थितियाँ होती हैं, वह उसे अवश्य प्रभावित करती हैं, और प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में वे स्थितियाँ, वे घटनाएँ उसके काव्य में किसी न किसी रूप में उपस्थित हो जाती हैं। विद्यापति का युग यदि हम देखें तो विद्यापति का युग अनेक देशी विदेशी सांस्कृतिक धारणाओं के मध्य चल रहे संघर्षों का युग था। राजनीतिक क्षेत्र में भी संघर्ष थे, धार्मिक क्षेत्र में भी थे, समाज भी अनेक दुविधाओं में जीवन जी रहा था, समाज में भी अनेक द्वंद्व थे। तो युग प्रेरित संघर्षों और परस्पर विरोधी मान्यताओं के प्रचलन के कारण विद्यापति के व्यक्तित्व में भी परस्पर विरोधी विचारणाओं का एकत्रीकरण मिलता है। हम देखते हैं कि उनके काव्य में परस्पर विरोधी विचारणाएं बहुत मिलती हैं। एक ओर वे श्रृंगार का उद्दाम चित्रण कर रहे हैं, श्रृंगार में संयोग श्रृंगार का इतना विस्तृत, इतना उद्दाम वर्णन करते हैं, और दूसरी ओर विरह की मार्मिक स्थितियां, विरह का जीवन ऐसा चित्रित कर देते हैं, हृदय विदारक चित्रित करते हैं कि पाठक उनको जब पढ़ता है, पाठक उस दृश्य को देखता है, तो पाठक का मन भी भावातिरेक से भर जाता है। इसी तरह से जब वे दरबारी संस्कृति का चित्रण कर रहे हैं तो दूसरी ओर उनके काव्य में लोक जीवन भी उभर करके आ रहा है। एक ओर उनकी कविता भक्ति से प्रेरित है, एक ओर दुर्गा स्तुति कर रहे हैं, शिव स्तुति कर रहे हैं, शिव की नचारियां प्रस्तुत कर रहे हैं, तो दूसरी ओर काम सूत्र के सब श्रृंगार का वर्णन इतना अधिक करते हैं कि पढ़ने वाला आश्चर्यचकित विस्मित रह जाता है। और इस तरह से विद्यापति का जो व्यक्तित्व है, हम देखते हैं मिथिला की उस धरती और उस मिट्टी से बना था, जिसमें धान की यौवनमय गंध और आम्र बौर की महक एक साथ अनुभव की जा सकती है। तो दरबारी कवि होते हुए भी जमीन से जुड़े हुए हैं, मिट्टी की गंध उनके काव्य में मिलती है, और यही कारण है कि उनका काव्य 700-800 साल बाद आज भी उसी रूप में लोक गीतों के रूप में समाज में रचा बसा हुआ है। विवाह के समय इनके लिखे हुए लोक गीत गाए जाते हैं, विदापद नाच किया जाता है, और गांव के लोग शाम को जब थकान उतारने के लिए बैठते हैं तो इनके गीत गाते हैं, नृत्य करते हैं। और इसी तरह से भक्तिमयक जो इनके पद हैं और शिव की जो नचारियाँ इन्होंने लिखी हैं, और शायद ही कोई ऐसा भक्त होगा जो वे उन पदों को ना गाता हो। बंगाल में, बिहार में, नेपाल की तराइयों में इनके पद बड़े मधुर स्वर में गाए जाते हैं, भावातिरेक से भर करके गाए जाते हैं। और इनके पदों से तो बंगाल के प्रसिद्ध कवि चंडीदास इतने अधिक प्रसिद्ध हुए कि उन्होंने भी इनकी परंपरा को आगे बढ़ाया, उसी रूप में प्रस्तुत किया। तो मित्रों,
अब हम देखते हैं कि विद्यापति के काव्य में सौंदर्य किस रूप में दिखाई देता है, उनके काव्य में सौंदर्य का क्या स्वरूप है। वास्तव में विद्यापति सौंदर्य के आराधक रहे हैं और एक विद्वानों में ये विवाद रहता है कि सौंदर्य किस में है, सौंदर्य वस्तु में है या सौंदर्य देखने वाले की आंख में है। पर विद्यापति सौंदर्य को वस्तु में नहीं मानते, वे उसे परखने वाली आंख में मानते हैं कि जो उस सौंदर्य को देख रही है, सौंदर्य उसकी आंख में है। दृश्य में सौंदर्य है, पर दृश्य के सौंदर्य को तभी जाना जा सकता है जो उसके देखने वाली आंख उस सौंदर्य को सराह सके, वे उस सौंदर्य से आकर्षित लुब्ध हो सके। और सौंदर्य के लिए विद्यापति अपरूप शब्द का प्रयोग करते हैं। वे सौंदर्य को कहते हैं अपरूप, अपरूप जो मनुष्य के मन को पुलकित, प्राणों को शक्तियुक्त, शरीर को रोमांचित और उत्कंठित करते। तो इस तरह से सौंदर्य क्या है? सौंदर्य वे है जो मनुष्य के मन में पुलकन भर दे, पुलकित कर दे उसको, उसके प्राणों में एक नवीन शक्ति, एक नवीन स्फूर्ति का संचार कर दे, और उस सौंदर्य को देख करके शरीर रोमांचित, शरीर में रोमांच हो जाए और उत्कंठित कर दे, वह सौंदर्य। और इस सौंदर्य के लिए अपरूप शब्द का प्रयोग विद्यापति बार बार करते हैं। और विद्यापति की कलम से कम रमणीय वस्तुएं भी, वे वस्तुएं जिनमें उतनी रमणीयता नहीं थी, परंतु वह भी जब उनकी कलम तक पहुंचती है तो विद्यापति अपनी कल्पना का रंग भर करके उस रमणीयता को और अधिक खिला देते हैं, वे एक वस्तु और अधिक खिल-खिल करके प्रस्तुत हो जाती है। विद्यापति सूरदास की तरह सौंदर्य पर निछावर नहीं होते हैं, सौंदर्य की धारा में वे बह नहीं गए हैं, सौंदर्य के पीछे वो बहते नहीं चले जाते हैं, अपितु वे तो निरंतर एक तटस्थ कलाकार की तरह सौंदर्य की नित्य नूतनता को उसको व्याख्यायित करते रहते हैं। सौंदर्य में जो नवीनता है, सौंदर्य में जो नूतनता है, उसको व्याख्यायित करते हैं। और निराला जो है विद्यापति के इस सौंदर्य को देख करके कहते हैं कि विद्यापति सौंदर्य की सृष्टा भी जबरदस्त थे और सौंदर्य में तन्मय हो जाने की शक्ति भी उनमें अलौकिक थी। कवि की ये बहुत बड़ी शक्ति है कि वह विषय से अपनी सत्ता को पृथक रखकर उसका विश्लेषण भी करे और अपनी इच्छा अनुसार उसमें मिलकर एक भी हो जाए। मित्रों, हम चंडीदास का काव्य देखते हैं या हम सूरदास का काव्य देखते हैं या अन्य भक्त कवियों के काव्य देखते हैं, वे सौंदर्य की धारा में बह गए हैं और सौंदर्य का चित्रण पूरी तन्मयता से करते हैं, वे सौंदर्य पर न्यौछावर हो जाते हैं, परंतु वे सौंदर्य के सृष्टा नहीं है। विद्यापति में यह विशेषता है कि वे सौंदर्य के सृष्टा भी जबरदस्त हैं, और यही बात निराला जी ने उनकी पदों में से अनुभव की कि उनमें सौंदर्य में तन्मय होने की शक्ति भी अलौकिक है और उसके साथ साथ सौंदर्य के वे सृष्टा भी हैं, कि विषय से, विषय की जो सत्ता है उससे वे अपने आप को पृथक भी रखते हैं, उसमें बह नहीं रहे हैं, उससे अलग रहते हुए भी, और वे उस, जब उनका मन करता है वे उसके अंदर तन्मय हो जाते हैं, उसमें लीन हो जाते हैं, और जब उनको लगता है कि वे तटस्थ भाव से वर्णन करें तो वे बड़ी तटस्थता से भी वर्णन करते हैं। विद्यापति के अनुसार सौंदर्य जो है वे चिर नूतन है, सौंदर्य सनातन है, सौंदर्य तात्कालिक क्षणिक नहीं है, और सौंदर्य वे है जो इसमें नित्य यौवन बना रहे, नित्य नवीनता बनी रहे। विद्यापति एक पद में स्वयं कहते हैं, सखी
की पूछसी अनुभव मोए, सेहो पीरित अनुराग बखानिए, तिल तिल नूतन होए। जन्म अवधि हम रूप निहारिल, नयन नतिरपित भेल। विद्यापति स्पष्ट कह रहे हैं कि सौंदर्य क्या है, तिल तिल नूतन होए, जिसमें तिल तिल प्रत्येक क्षण में नवीनता हो, प्रत्येक क्षण उसमें एक नवीन चमत्कार, एक नवीन रमणीयता, एक नई सुकुमारता, एक नई स्फूर्ति उभर करके आए, नित नूतन हो। और विद्यापति की ये पंक्ति देख करके कालिदास की वो पंक्ति याद आती है जब वो कहते हैं, क्षणे क्षणे यन नवताम उपैति तदेव रूपम रमणीयताया। कि वो भी रमणीयता किसमें मानते हैं, क्षणे क्षणे प्रत्येक क्षण में जो नूतनता को प्राप्त करें, जो नवीनता को प्राप्त करें। और विद्यापति भी यही कह रहे हैं, तिल तिल नूतन हो, तो चिर नूतनता, सनातन नूतनता, हमेशा उसमें एक नवीनता, एक ताजगी, एक स्फूर्ति, एक रमणीयता हो, वह सौंदर्य है। सौंदर्य में कोई ठहराव, कोई स्थिरता नहीं है, उसमें हर बार देखने पर देखने वाले को एक नवीन दिखाई दे, नवीनता दिखाई दे। और ऐसा सौंदर्य कि जिसको देख करके नयन न तिरपित भेल, आंखें जो है वो तृप्त ना हो, कि एक सौंदर्य देख करके आंखें संतुष्ट हो गई, तृप्त हो गई, नहीं। सौंदर्य में नवीनता नूतनता रहेगी तो कभी भी तृप्ति का भाव नहीं रहेगा, बार 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 देखने को मन करे। तो जन्म अवधि हम रूप निहारल, कि कितने समय तक उस सौंदर्य को देखती रही परंतु आंखें तृप्त नहीं हुई। तो इसी तरह से जो रीतिकालीन कवि है घनानंद, जो रीतिमुक्त कवि हैं, वे भी बड़े स्पष्ट शब्दों में विद्यापति की तरह ही कहते हैं, रावरे रूप की रीति अनूप, ज्यो ज्यो नयो नयो लागत ज्यो ज्यो निहारिए। देखिए बिल्कुल यही भाव सामने है कि नयो नयो लागत, हर बार नया नया लगता है, ज्यो ज्यो निहारिए, जब जब निहारते हैं, जैसे जैसे निहारते हैं, तो सौंदर्य की सबसे बड़ी विशेषता चिर नूतनता है और वो नित्य यौवनमय बना रहे, कि उसको देख करके मन न अघाए, चित न अघाए, मन आंखें तृप्त ना हो, तो बार बार देखने पर भी आंखें नयन न तिरपित भेल। तो इस तरह से विद्यापति जो हैं वो सौंदर्य का वर्णन करते हैं। और विद्यापति सौंदर्य का विविध रूपों का चित्रण करते हैं। वे जब नायिका के सौंदर्य का वर्णन करते हैं तो नायिका के नख शिख सौंदर्य का चित्रण करते हैं। राधा के सौंदर्य का चित्रण कर रहे हैं तो राधा के पैर के नाखून से लेकर के सिर की चोटी तक, अंग प्रत्यंग के सौंदर्य का वर्णन, सौंदर्य का चित्रण उन्होंने किया है। जैसे देख देख राधा रूप अपार, अपूर्व के भी आनि मिलाओल, खिति तल लावनिसार। कि राधा के सौंदर्य कैसा है, जो पूरे पृथ्वी तल पर जितने भी लावण्य के, जितने भी सौंदर्य के तत्व है, उन सब का सार लेकर के विधाता ने उन्हें मिला करके एक स्थान पर एकत्रित कर दिया है। तो राधा का अपार सौंदर्य है, अपूर्व सौंदर्य है, और उस सौंदर्य को बनाने वाला जो विधाता है वह भी कोई अपूर्व है। और उस विधाता ने पृथ्वी तल के सभी सौंदर्यों को एक स्थान पर एकत्रित करके उन सौंदर्यों के सार तत्व को लेकर के और राधा के रूप को बनाया है। और फिर राधा के सौंदर्य का जब वो वर्णन करते हैं तो उनके एक एक अंग प्रत्यंग का ऐसा सजीव चित्रण करते हैं, और सौंदर्य के जो विभिन्न उपमान प्रसिद्ध हैं, आँखों के लिए, नाक के लिए, होठों के लिए, गर्दन के लिए, हाथ के लिए, पैर के लिए, जो विभिन्न उपमान प्रसिद्ध हैं, वे सभी उपमान भी
उस राधा के सौंदर्य को देख करके अपने आप को अपमानित अनुभव करते हैं, अपने आप को तुच्छ अनुभव करते हैं। तो ऐसा नायिका का सौंदर्य है। और जैसे वो कहते हैं, सजनी अपूरब पेखली रामा, कनक लता अवलंबन उगल हरिन हीन हिमदामा। मुख के सौंदर्य की तुलना चंद्रमा से की जाती है, हिमधाम चंद्रमा के लिए आया, तो चंद्रमा से मुख की तुलना की जाती है। परंतु जो राधा का सौंदर्य है वो उस चंद्रमा से भी कहीं उत्कृष्ट है। चंद्रमा में तो हरिन है, हिरण है, एक दाग है, परंतु जो राधा का मुख है हरिन ही नहीं मधामा, हरिन से रहित चंद्रमा के। तो राधा के मुख पर निष्कलंक है, उसका सौंदर्य अनुपम है, अपूर्व है। तो इस तरह से उपमानों को निकृष्ट बताकर, उपमानों को तुच्छ बता करके विद्यापति राधा के सौंदर्य का चित्रण करते हैं। ऐसे ही नक्षिक सौंदर्य वर्णन के साथ साथ विद्यापति ने वया संधि का चित्रण किया है। वया संधि यौवन और शैशव के बीच का काल, शैशव अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है और यौवन अभी पदार्पण कर रहा है, यौवन अभी पहले चरण पर है। तो वो जो संधि का काल है, वया संधि का काल है, उस समय का वर्णन विद्यापति ने बड़े ही सुंदर शब्दों में किया है। और ये जो वया संधि है ये जीवन में उत्साह और उल्लास के प्रतीक के रूप में विद्यापति चित्रित करते हैं। ये केवल वया संधि के समय में शारीरिक परिवर्तन ही नहीं होता, प्रकृति में भी परिवर्तन आता है और उसका वर्णन विद्यापति करते हैं। जैसे सैसव जौबन दर्शन भेल, दुहुपत हेरित मनसिज गेल, कि शैशव का और यौवन का दोनों का मिलन हो रहा है, दोनों मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और उसको देख करके नायिका के मन में, राधा के मन में काम, मनसिज काम जो है वो प्रवेश कर जाते हैं। और शैशव और यौवन दोनों दो जो है उनके लिए विद्यापति कल्पना करते हैं कि ये दो अलग अलग दल हैं, अलग अलग सेनाएं हैं और दोनों अपना अपना प्रभाव बनाने में लगी हुई हैं। तो सैसब जौवन दर्शन भेल दुहु दल, दोनों दलों में शैशव दल अपनी जो अपना प्रभाव दिखा रहा है और यौवन दल जो है वो अपना प्रभाव दिखाना चाहता है। तो दुहु दल भले द्वंद परिगेल, दोनों के बीच में द्वंद्व, दोनों के बीच में परस्पर संघर्ष चल रहा है। यौवन चाहता है कि वह अपना प्रभाव दिखाए और शैशव की जो शिशुता की झलक है वे भी अभी समाप्त नहीं हो रही है। जो शिशुता की चंचलता थी, जो बाल सुलभ क्रीड़ाएँ थी, वे अपना प्रभाव दिखा रही हैं और दूसरी ओर यौवन की झलक जो है, यौवन की जो उन्माद है, जो काम भाव का प्रभाव है, वे अपना प्रभाव दिखा रहा है। तो ये वया संधि का वर्णन विद्यापति ने अपने पदों में बड़ा ही सजीव, बड़ा ही हृदयहारी प्रस्तुत किया है। इसी तरह से सौंदर्य का एक अन्य रूप सद्यास्नाता का है। सद्यास्नाता नायिका का विचित्रण कर रहे हैं। यद्यपि विद्यापति से पूर्व हम देखते हैं कि संस्कृत में ये परंपरा रही है सद्यास्नाता के वर्णन करने की, परंतु हिंदी में सद्यास्नाता का वर्णन करने की जो परंपरा का सूत्रधार है वो विद्यापति माने जाते हैं। और आगे चल करके रीतिकाल में ये परंपरा विकास को प्राप्त होती हुई दिखाई देती है। एक सद्यास्नाता स्नान करके, उसी समय स्नान करके आई हुई स्त्री के, नायिका के सौंदर्य का चित्रण विद्यापति करते हैं। आज मझु शुभ दिन गेला, कामिनी पेखल सिनानक बेला, चिकुर गरे जल धारा, मेह बरस जनु मोती महारा। कि कामिनी जो है
स्नान करके, स्नान का वेला है, स्नान करके आई है और उसके बालों में से जो जल की बूंदें गिर रही हैं उसको लेकर के विद्यापति बड़ी सुंदर उत्प्रेक्षा करते हैं। बड़ा सुंदर शब्दों में कहते हैं कि वो बालों में से गिरती हुई जल की बूंदें ना हो करके ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो मेह बरस, बादल बरस रहे हैं और जनु मोती महारा और उनसे मोतियों के कण, मोती जो है वो नीचे गिर रहे हैं। इसी तरह से कामिनी करे सनाने हेरत ही हनहे, हेरत ही हृदय हनहे पंचबाने, चिकुर गरे जलधारा जनी मुख ससि डर रोए अंधारा। देखिए एक ओर सद्या स्नाता का चित्रण करते हैं, उनके बालों से गिरती हुई जल की बूंदों के लिए कल्पना करते हैं मोतियों के साथ। अब यहाँ एक नवीन और कल्पना क्या करते हैं कि चिकुर गरे जलधारा, बालों से पानी जल की धारा जो गिर रही है वे ऐसे लगता है मानो मुख ससी, मानो मुख चंद्र को देख करके अंधकार डर कर रो रहा है। डर रोए अंधारा, अंधारा अंधेरा, अंधकार जो है वो राधा के चंद्रमुख की, मुख चंद्र की दीप्ति को देख करके, उसके मुख चंद्र को देख करके, उसकी आभा को देख करके डर गया है और वे रो रहा है। तो बालों में से पानी की बूंदों को गिरता हुआ देख करके विद्यापति नवीन नवीन कल्पनाएं करते हैं। तो उस स्नान करके आई हुई स्त्री को देख करके हेरत ही देखते ही हृदय पर कामदेव के पंच बाणों का प्रहार हो जाता है। हेरत ही हृदय हनये पंच बाना, कि उस सद्या स्नाता को देखते ही नायक के हृदय में, पुरुष के हृदय में कामदेव के पंच बाणों का प्रहार हो जाता है। तो इस तरह से विद्यापति श्रृंगार में नक्षिक सौंदर्य का वर्णन करते हैं सौंदर्य में, और सद्या स्नाता का वर्णन किया है उन्होंने, वया संधि का वर्णन किया है, और यही सौंदर्य आगे चल करके किस तरह से श्रृंगार में प्रेम में परिवर्तित होता है और प्रेम के अंतर, प्रेम के पश्चात श्रृंगार में संयोग श्रृंगार का वर्णन करते हैं। संयोग श्रृंगार में मान का, मिलन का, फिर अभिसार का, कृष्ण अभिसारिका के रूप में, शुक्ल अभिसारिका के रूप में वर्णन, सुरत क्रीड़ा का वर्णन। तो इस तरह से विद्यापति बड़े तन्मयता के साथ, बड़े उत्साह के साथ नवीन से नवीन कल्पनाओं को लेकर के, नवीन से नवीन चेतन चमत्कार के साथ कविता में श्रृंगार का वर्णन करते हैं। ऐसे ही राधा के सौंदर्य का वे वर्णन करते हैं। मित्रों ये पद, राधा के सौंदर्य का जो पद है ये आपके पाठ्यक्रम में भी लगा हुआ है, और इस पद को आप पढ़ेंगे, इस पद को आप जब देखेंगे तो आप विद्यापति के सौंदर्य चित्रण को अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि वे किस तरह से सौंदर्य का वर्णन करते हैं, किस तरह से नई नई उपमाओं को, नई नई उत्प्रेक्षाओं को प्रस्तुत करते हैं। तो इस पद के वर्णन हम थोड़ा विराम लेकर के करेंगे, अल्प विराम लेंगे, उसके बाद हम पुनः आपसे भेंट करते हैं। धन्यवाद। Thank you.
विद्यापति ने राधा के सौंदर्य का जो चित्रण किया है वो स्वयं, मैंने जैसे पहले ही कहा था कि वे तटस्थ भाव से रहते हैं। कृष्ण राधा को देखते हैं और राधा को देखते ही उनके मन में प्रेम का भाव जागृत हो जाता है, प्रेम उनके मन में आ जाता है और वह अपनी सखा से राधा के सौंदर्य का वर्णन करते हुए और उस राधा के सौंदर्य को देखकर उनकी क्या मनस्थिति हुई इसका वर्णन वे अपने सखा से कर रहे हैं। जहाँ जहाँ पग जुग धराई तही तही सरोरुह झरई, जहाँ जहाँ झलकत अंग तही तही बिजुरी तरंग। जहाँ जहाँ जिस जिस स्थान पर राधा जो है पग जुग अपने दोनों पैरों को, अपने दोनों चरणों को रखती है, तही तही वहाँ वहाँ सरोरुह झरई, सरोरुह का अर्थ है कमल, वहाँ वहाँ कमल झरने लगते हैं। कि राधा के जो चरण हैं उनको चरण कमल सदृश हैं, तो राधा जहाँ जहाँ अपने चरण रखती हैं वहाँ वहाँ ऐसे लगता है कि कमल झर रहे हैं। जहाँ जहाँ झलकत अंग, जहाँ जहाँ उनके अंगों की दीप्ति, अंगों की झलक पहुँचती है, ऐसा लगता है तहीं तहीं वहाँ वहाँ बिजुरी तरंग, वहाँ वहाँ बिजली की चमक पड़ने लगती है। कि राधा के अंग इस तरह से दमक रहे हैं, उनके अंगों की जो आभा है, अंगों की जो दीप्ति है, वे पूरे वातावरण को आभामय कर देती है। जैसे बिजली की चमक, बिजली एक जब चमकती है तो पूरा दृश्य जो है वो चमक से भर जाता है, तो ऐसे ही राधा के अंगों की चमक से पूरा स्थान, पूरा वे वातावरण आभामय हो गया है। कि हेरली अपरूप गौरी पैठली ही ये मध्य मोरी, कि उस अपूर्व गौरी को, इस सुंदर गौरी को जिसको मैंने पहले कभी देखा ही नहीं था, उसको देखा, हेरली देखते ही पैठई ही ये मध्य मोरी। कृष्ण कहते हैं कि वो मेरे हृदय के बीच में बैठ गई है। अब यहाँ बैठना शब्द जो होता है वो ये होता है कि कोई वस्तु जब अंदर तक गड़ जाती है वो दोबारा बाहर नहीं निकल सकती, गहराई में बैठना। तो ही मध्य मोरी, तो वो मेरे हृदय के बीच में आकर के बैठ गई है। जहाँ जहाँ नयन विकास तहीं तहीं कमल प्रकाश, कि वे राधा अपनी आँखों से जिस जिस ओर देखती है, वो अपने नयन विकास अपनी आँखों को जिस तरफ भी ले जाती है, तहाँ तहाँ कमल प्रकाश, वहाँ वहाँ कमलों का प्रकाश खिल जाता है। देखिए विद्यापति जो ये पंक्ति कह रहे हैं, जहाँ जहाँ नयन विकास तहीं तहीं कमल प्रकाश, कि जहाँ जहाँ राधा देखती है वहाँ वहाँ कमल खिल जाते हैं, जहाँ जहाँ वो पैर रखती है वहाँ वहाँ कमल झरने लगते हैं। और बिल्कुल इसी तरह का वर्णन जायसी भी पद्मावत में करते हैं। पद्मावत के मानसरोदक खंड में आप देखिए जहाँ वे पद्मावती के अपूर्व सौंदर्य का चित्रण करते हैं, कि वहाँ वे पूरा बिंब प्रतिबिंब भाव दिखाते हैं। कि जैसी कहते हैं कि जब पद्मावती मानसरोवर के किनारे आती है और मानसरोवर में जब वो झांकती है तो मानसरोवर में उसका प्रतिबिंब जब पड़ता है तो क्या परिवर्तन हो जाता है। तो नयन जो देखा कमल भा निर्मल नीर शरीर, हसत जो देखा हस भा दसन ज्योति नगहीर। कि पद्मावती वहाँ जब मानसरोवर में देखती है तो वहाँ भी कमल खिल जाते हैं, उसके निर्मल शरीर की प्रकाश जब वहाँ पर पड़ता है तो वो जल प्रकाशमय हो जाता है। वे उसमें हंसते हुए जब देखती है तो पद्मावती की हंसी ही हंस रूप में वहाँ प्रस्तुत हो गई है। इसी तरह से उसके जो दांतों की ज्योति है वो ही मानसरोवर में नगों के रूप में, हीरों के रूप में प्रस्तुत हो गई है, वहाँ वो प्रकट हो गई है। तो वो बिंब प्रतिबिंब भाव जो जायसी पद्मावत में प्रस्तुत करते हैं
उससे पूर्व आप देखिए विद्यापति ये बात अपनी पदावली में कह गए हैं। ऐसा लगता है कि जैसे जायसी ने विद्यापति को पढ़ा होगा और फिर उनका प्रभाव उन पर आया होगा। और वही कह रहे हैं, जहाँ जहाँ नयन विकास तहीं तहीं कमल प्रकाश, कि जहाँ जहाँ राधा अपने आँखों से देखती है वहाँ वहाँ कमलों का प्रकाश हो जाता है। ऐसी जहाँ लहू हास संचार, लहू लघु हल्का, तेज हंसी नहीं हल्की स्मित मुस्कान, जहाँ वो थोड़ा सा भी हंसी का संचार होता है तहीं तहीं अमीय बिथार, वहाँ वहाँ अमृत का विस्तार होने लगता है, वहाँ वहाँ अमृत फैलने लगता है। जहाँ जहाँ कुटिल कटाक, जहाँ जहाँ वे कटाक्ष करती है अपनी बंकिम चितवन से देखती है, तत ही मदन सर लाख, वहीं लाखों कामदेव के बाण प्रस्तुत हो जाते हैं, लाखों कामदेव के तीर इकट्ठे हो जाते हैं। हेरत ही से धनी थोर अब तिन भुवन अगोर, हेरत ही से धनी थोर, पूरा नहीं देखा है सौंदर्य, कितना देखा है सौंदर्य, क्योंकि तिरपित भय न भेल, कि तृप्ति नहीं होती है। कृष्ण ने देखा भी कितना है, थोड़ा सा अल्प, तो हेरत से धनी, उस धनी को, उस राधा को थोड़ा सा देखा है। अब तीन भुवन अगोर, और कृष्ण को ऐसा प्रतीत होता है कि वो तीनों लोकों में व्याप्त है, वो जिधर देखते हैं उन्हें राधा की ही छवि दिखाई देती है, तो तीनों लोकों में वे परिव्याप्त दिखाई देती है। पुनु किए दर्शन पाव, कि मैंने अब कृष्ण यहाँ क्या कामना करते हैं, कृष्ण कहते हैं कि मैंने जो कोई पुण्य कर्म किए हैं तो मेरे पुण्य का प्रभाव होगा कि मुझे उसके फिर से दर्शन प्राप्त होंगे, फिर से मुझे वे दिखाई देगी। दर्शन पाव, कि मैं अपने पुण्यों के प्रभाव से, पुण्य किए अपने पुण्यों के प्रभाव से ही पुनः उसके दर्शन प्राप्त कर पाऊँगा। अब मोहे ई दुख जाओ, और उसको दोबारा देखने से ही ई दुख, कौन सा दुख, विरह का दुख, वेदना, जो वियोग प्रेम के कारण जो विरह का भाव जागृत हो गया, तो वह विरह का दुख तभी जाएगा जब मैं उसको पुनः देख पाऊँगा। विद्यापति कह जानी तू गुण देहब आनी, विद्यापति कवि क्या कहते हैं कि यह जानी, यह निश्चित है कि तू गुण, कि तुम्हारे में ऐसे गुण हैं, तुम्हारे ही गुणों के कारण वे पुनः तुमसे भेंट करेगी, देहब आनी, लौट करके फिर वे आएगी, तुम्हें पुनः दर्शन देगी। तो इस तरह से देखिए विद्यापति पूरे राधा के सौंदर्य का चित्रण करते हैं, और यही सौंदर्य फिर प्रेम में परिवर्तित हो जाता है। सौंदर्य किस तरह से प्रेम में बदल जाता है, राधा के सौंदर्य को कृष्ण ने देखा और कृष्ण के मन में प्रेम का भाव जागृत हो गया। तो विद्यापति का जो व्यक्तित्व है, वे ना केवल सौंदर्य सरोवर की तरंगों को गिनता रहा, अपितु उसकी छुवन से उनके मन में प्रेम भी जगा। वैसे भी सौंदर्य का उपासक प्रेम का पूजक ना हो, ये कैसे संभव है। सौंदर्य दिखता ही वहाँ है जहाँ प्रेम होता है, और जहाँ प्रेम होता है वहाँ सौंदर्य रहता है। विद्यापति प्रेम का संबंध मन से मानते हैं, शरीर से उसका कोई रिश्ता नहीं है, वे शरीर सुख को प्रेम रति प्रेम नहीं मानते, वे तो शरीर से मन तक जाना चाहते हैं, तन रति से ही मन रति के सोपान तक पहुंचना विद्यापति का अभीष्ट था। केवल शारीरिक प्रेम ही नहीं, शारीरिक आकर्षण ही नहीं, मन रति, तन रति से उठ करके मन रति तक पहुंचने का प्रयास विद्यापति करते हैं। विद्यापति का यह प्रेम आत्मतुष्टि की वासना से विरत होकर निर्मल और बिखरा हुआ रूप लेकर आया है। जैसे सुजन के प्रेम हेम समसूल, दहकत कनक द्विगुण होए सुमूल,
टूटैत नहीं टूट प्रेम अद्भुत जैसन बढ़े मृणाल के सूत। कि सुजन का जो प्रेम है वे हेम के समान है, स्वर्ण के समान है, दहकत कनक द्विगुण होय मूल। जैसे सोने को आग में जलाया जाता है तो उसकी चमक द्विगुणित हो जाती है और अधिक बढ़ जाती है। ऐसे ही प्रेम जो है वो विरह की आग में तप करके और भी अधिक चमक करके आता है। और टूटा है तो नहीं टूट प्रेम अद्भुत। प्रेम जो है वो प्रेम का संबंध अटूट है, वे टूटने वाला नहीं है। जैसत बढ़त मृणाल का सूत, जैसे कमल नाल कमल सूत बढ़ता है ऐसे ही प्रेम जो है निरंतर आगे बढ़ता रहता है। तो इसी तरह से सौंदर्य से प्रारंभ हो करके प्रेम जो है वो अपनी पराकाष्ठा को पहुंचता है और यही प्रेम फिर आगे श्रृंगार में परिवर्तित हो जाता है। तो जिस तरह से राधा को देख करके कृष्ण के मन में प्रेम भाव जागृत हुआ, उसी तरह से कृष्ण को देख करके राधा के मन में भी प्रेम भाव जागृत हो जाती है। तो विद्यापति केवल नायिका के ही सौंदर्य का चित्रण नहीं करते हैं, वे नायक के भी सौंदर्य का चित्रण करते हैं। अगले पद में मित्रों आप देखिए, हम बात करेंगे कृष्ण के सौंदर्य की, कि राधा ने कृष्ण को देखा और उसके मन में प्रेम भाव जागृत हो गया। ए सखी पेखली एक अपरूप, सुनत सुनैत मानवी सपन स्वरूप। देखिए यहाँ अपरूप शब्द आया। प्रारंभ में ही हमने कहा कि सौंदर्य के लिए विद्यापति अपरूप शब्द का प्रयोग करते हैं। तो राधा कृष्ण को देख करके आई है और राधा अपनी सखी के सामने अपने उस मन के भाव को प्रकट कर रही है। वो कहती है ए सखी पेखली, पेखली देखा एक अपरूप, एक सुंदर पुरुष को देखा, एक सुंदर युवक को देखा। सुनैत मानवी सपन स्वरूप, ऐसा लगता ही नहीं कि मैंने किसी को साक्षात अपनी आंखों से देखा हो। ऐसा लगता है जैसे मैंने कोई स्वप्न देखा है, स्वप्न में मैंने किसी को देख लिया। तो सपन स्वरूप, वो कोई मानव ही ना हो करके वो स्वप्न के सदृश था। अब उसके बाद जो सौंदर्य का वर्णन विद्यापति कर रहे हैं वह अपने आप में अद्भुत है, अनुपम है। कमल जुगल पर चांदक माला, तापर उपजत तरुण तमाला। कृष्ण के सौंदर्य का चित्रण करते हुए कहते हैं कि कमल जुगल पर, दो कमलों के ऊपर चंद्रमा का चंद्रमाला, चंद्र चांद की माला बनी हुई है। और तापर उपजत, उसके ऊपर तरुण तमाल का वृक्ष उगाया हो। अब देखिए केवल उपमानों का वर्णन है, कहीं कृष्ण का नाम नहीं है, कहीं उनके अंगों का नाम नहीं है। विद्यापति केवल उपमानों का वर्णन कर रहे हैं। ये रूपकातिशयोक्ति अलंकार है जिसमें उपमानों का ही वर्णन किया जाता है और जिससे हम उपमेय के बारे में जाते हैं। तो कमल जुगल जो हैं उनके कृष्ण के दोनों चरण कमलों के लिए आए, दोनों पैरों के लिए आए। और उस पर जो चांदक माला, चांद की पंक्ति, वो है उनके नाखूनों की पंक्तियाँ। पैरों के ऊपर नाखून लगे हुए हैं तो वे नाखून चंद्र सदृश चमक रहे हैं, चंद्रमा की पंक्तियाँ हैं वहाँ पर। तो कमल जुगल पर, चरण कमलों के ऊपर जो नख पंक्ति है वो चंद्र माला के समान सुशोभित हो रही है। तापर उपजद, तापर उसके ऊपर, उन पैरों के ऊपर तरुण तमाल का वृक्ष जो है वो उगाया हो। अब देखिए तमाल का जो वृक्ष है वो श्याम वर्ण का होता है, कृष्ण का वर्ण भी श्याम वर्ण है, तो इसलिए श्याम वर्ण के लिए तरुण तमाल के, और क्योंकि कृष्ण किशोरावस्था के हैं तो तमाल के लिए भी विशेषण लगाया है तरुण, तरुणावस्था को बताने के लिए, किशोरावस्था को बताने के लिए।
लता पर बेढली बीजुरी लता, और शरीर पर कृष्ण ने पीताम्बर वस्त्र धारण किए हुए हैं, तो पीताम्बर पीले वर्ण के जो वस्त्र हैं वो बिजली की लता के समान लगते हैं, तो बिजली की लता उसके ऊपर बेढली लपेटी हुई है। तो तरुण तमाल है और उसके ऊपर बिजली की लता लपेटी हुई है। ये बिजली की लता पीताम्बर वस्त्र वर्ण के ऊपर है, पीताम्बर के बारे में कहा गया, जो कृष्ण जो है शरीर पर धारण करते थे। और वही कृष्ण कालिंदी तट धीरे चली जाता, कालिंदी तट यमुना के किनारे पर धीरे धीरे चल करके जा रहे हैं, धीरे धीरे चलते हुए जा रहे हैं। शाखा शिखर सुधाकर पांती, देखिए पैर के नाक पैरों से सौंदर्य का वर्णन करना प्रारंभ किया, पैरों की बात की, उसके बाद नख पंक्ति की बात की, अब पीताम्बर की बात की, अब उसके ऊपर आते हैं हाथों के ऊपर। शाखा शिखर, हाथ की जो उंगलियां हैं शाखाएं, तमाल वृक्ष का एक रूपक बांध रहे हैं, तो तमाल वृक्ष की शाखाएं हो गई, तो कृष्ण के हाथ की उंगलियां, शाखा शिखर उनकी जो उंगलियां हैं। सुधाकर पांती, पहले चांदक माला कहा, अब सुधाकर पांती कह रहे हैं, वो चंद्रमाला की तरह है, सुधाकर सुधा की चंद्र पंक्तियां हैं। तही नव पल्लव अरुणिक भांति, अब उनके हाथ जो है वो लालिमा लिए हुए हैं, तो हाथों की जो लालिमा है वो कैसी है, नए नए खिले हुए पल्लवों की तरह। वृक्ष पर देखिए जो नए नए पत्ते निकलते हैं वे हल्की लालिमा लिए हुए होते हैं, हल्का हल्का अरुणिमा रंग होता है, तो कृष्ण के हाथों में का रंग भी अरुणिम है, लालिमा से युक्त है। तो नव पल्लव अरुणिक भांति, तो नए नए खिले हुए पत्तों की तरह लालिमा लिए हुए उनके हाथ हैं। विमल बिंब फल जुगल विकास, अब होठों की तुलना कर रहे हैं, होठों का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि वो कैसे हैं होठ उनके, विमल निर्मल स्वच्छ, बिंब फल जुगल, दो बिंब फल खिल के आ गए हो विकास, दो बिंब फल निकल आए हो, क्योंकि पूरा एक वृक्ष का रूपक बांध रहे हैं, वृक्ष की शाखाओं की बात करते हैं, वृक्ष के पल्लव की बात की, अब उसके ऊपर फल की बात कर रहे हैं, तो अधर जो है वो दो बिंब फल खिले हुए। ता पर उसके ऊपर कीर थिर थिर करो वास, कीर तोता, थिर मतलब स्थिर, स्थिर होकर के वास कर रहा है। अब फल लगता है तो फल के ऊपर तोता आकर के बैठता है, तो यहाँ बिंब फल अधर है, तो अधरों के ऊपर जो नासिका है, नासिका के लिए कीर शब्द, कीर उपमान का प्रयोग किया गया है। तो तमाल के ऊपर पल्लव अरुणिमा अरुणिम वर्ण के हैं, उनके ऊपर बिंब फल खिल गए हैं, और बिंब फल के ऊपर तोता जो है वो स्थिर होकर के बैठा हुआ है। तो तापर चंचल खंजन जोर, तापर उसके ऊपर खंजन जोर, खंजन खंजन पक्षियों का जोड़ा, कैसा चंचल, वो स्थिर नहीं है, ये खंजन जोर जो है खंजन युगल दोनों आँखों के लिए आया है। कृष्ण की जो दोनों आँखें हैं वो चंचल आँखें हैं, स्थिर नहीं है, और खंजन पक्षी के युगल के समान है। तो तापर चंचल खंजन जोर, तापर सांपिनी झांपल मोर, और सिर पर मोर मुकुट धारण किए हुए हैं, और मोर मुकुट ने बालों को बांध रखा हुआ है, अब बालों के लिए उपमान दिया है सांपिनी, तापर वहाँ पर सांपिनी को झांपल बांध करके रखा हुआ है, किसने, मोर मुकुट ने, तो मोर मुकुट जो माथे पर है उसने उनके बालों को, बालों के देखिए बाल चिकने बाल हैं, काले बाल हैं, तो उनकी तुलना सांपिनी से की है, सर्पिणी से की है, कृष्ण के घुंघराले काले बाल थे, तो उन बालों किससे बंधे रहते हैं, मोर मुकुट से बंधे रहते हैं, तो तहाँ पर, और इसीलिए बालों को सर्पिणी कहा,
और मोर मुकुट के लिए मोर शब्द का, तो तापर सांपिनी झांपल मोर, ए सखी रंगिनी कहल निशान, हेरित पुनि मोर हरल ज्ञान। राधा अपने मन की बात अपनी सखी के सामने प्रस्तुत कर रही है, तो यहाँ फिर अपनी सखी को संबोधित करते हुए कहती है, देखिए पद का प्रारंभ भी सखी को संबोधित करते हुए किया गया और पद के अंत में फिर वो सखी को संबोधित कर रही है कि हे सखी रंगीनी, हे सुंदर सखी, कहल निशान, मैंने अपने प्रेम का संकेत कहल तुमसे कह दिया है, हेरत हेरत पुनि कि फिर उनको देखते ही, कृष्ण को देखते ही मोर हरल ज्ञान, मेरी सुदबुद्ध जाती रही, मैं अचेत हो गई, ज्ञान मतलब चेतना, मेरा सुदबुद्ध जो है वो हर ली गई। कवि विद्यापति एह रस भान, विद्यापति कहते हैं एह रस भान कि ये रस जो है, ये जो प्रेम का रस है, ये जिसका तुमने अनुभव किया है, सुपुरुख मरम तोहे पल जान, कि वे जो सुपुरुख सज्जन पुरुष सुंदर पुरुष कृष्ण जो है वो तुम्हारे मरम को, तुम्हारे इस प्रेम के रहस्य को भल जान, अच्छी प्रकार जानते हैं, तो इसलिए कृष्ण जो है तुम्हारे प्रेम को जान गए हैं और वे तुमसे मिलने के लिए अवश्य आएंगे। तो इस तरह से मित्रों हमने विद्यापति के जो दो पद आपके पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं उनको आपके सामने उनकी व्याख्या प्रस्तुत की है, और विद्यापति किस प्रकार से सौंदर्य का चित्रण करते हैं, किस प्रकार से प्रेम का वर्णन करते हैं, वे आपके सामने है। कोई कॉल आ रही है? जी नहीं, अभी मैं हम ये चाहेंगे, ठीक है, फिर हमें अपना, इसीलिए मैं रुकी थी कि कोई कॉल आ रही है तो पहले हम बिल्कुल हम अपने मित्रों से अनुरोध करना चाहेंगे कि अगर आपके मन में कोई भी जिज्ञासा है इस विषय को लेकर, यानी विद्यापति के काव्य और उनके पदों को हम आज यहाँ पर चर्चा का विषय बनाकर आप सभी के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, तो मित्रों अगर कोई भी आपके मन में प्रश्न है तो ज़रूर हमसे संपर्क करें हमारे टोल फ्री नंबर के ज़रिए। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-110-430। नंबर पुनः बता देती हूँ, 1800-110-430। जी मैं रीता जी अनुरोध करना चाहेंगे कि आप व्याख्यान को आगे बढ़ाएं। हाँ धन्यवाद दीदी। तो विद्यापति ने जिस तरह से राधा के प्रेम का और कृष्ण के प्रेम का चित्रण किया है, वह वर्णन उनसे पूर्ववर्ती जयदेव ने गीत गोविंद में प्रस्तुत किया था, हाल ने गाथा सप्तशती में किया था। अगर हम जयदेव की राधा को देखें और विद्यापति की राधा को देखें तो हमें दोनों में जो मूल अंतर दिखाई देता है, जयदेव की राधा युवती राधा है, वे प्रौढ़ा नायिका के रूप में उसको प्रस्तुत करते हैं, प्रगल्भा है, प्रेम में वह प्रगल्भ है, परंतु जो विद्यापति की नायिका है वे किशोरी नायिका है, वया संधि का उसका चित्रण करते हैं, कृष्ण भी किशोर के रूप में है। जयदेव जब वर्णन कर रहे हैं तो वहाँ कृष्ण युवक हैं और राधा युवती हैं, विद्यापति जब चित्रण कर रहे हैं तो कृष्ण किशोर अवस्था में है, तरुण है, और राधा भी तरुणी है, किशोरी है। और फिर अगर हम सूरदास के साथ तुलना करें, सूरदास का देखें तो सूरदास की राधा जो है वो अल्लड़ बाला है, वो 7 वर्ष की अवस्था की है। और विद्यापति जब राधा और कृष्ण के प्रेम का वर्णन करते हैं तो वहाँ हम देखते हैं कि राधा को देखते ही कृष्ण के मन में प्रेम अकस्मात जागृत हो जाता है और वो देखते ही अचेत हो जाते हैं। इसी तरह से राधा भी जब कृष्ण को देखती हैं तो देखते ही उनके मन में अकस्मात प्रेम भाव जागृत हो जाता है और वे भी अचेत हो जाती हैं। परंतु सूरदास के काव्य में हम देखते हैं वह जब राधा और कृष्ण के प्रेम की बात करते हैं तो वहाँ हमें प्रेम का क्रमिक विकास देखने को मिलता है, प्रारंभ परिचय से होता है, दोनों अपने अपने घर से खेलने के लिए अपने अपने सखी सखाओं के साथ निकले हैं, ब्रज खोरी
खेलत निकसे श्याम ब्रज खोरी, कि ब्रज की गलियों में कृष्ण खेलने के लिए निकलते हैं और औचक देखत राधा, और अचानक ही राधा को देख लेते हैं और देख करके वे उससे पूछते हैं कौन तू गौरी, और वे उससे परिचय प्राप्त करते हैं, कहाँ से तुम आई हो, किस गांव की हो, पहले तो तुम्हें कभी नहीं देखा था। परंतु वहाँ प्रेम प्रारंभ नहीं हुआ है, वहाँ परिचय से प्रारंभ होता है और धीरे धीरे प्रेम का विकास होता है। परंतु जो विद्यापति की राधा और कृष्ण का प्रेम है, वे अकस्मात हो जाने वाला प्रेम है, देखते ही अचानक हो जाने वाला प्रेम है, एक प्रथम दृष्टया प्रेम है। और इसी तरह से जो सूरदास का प्रेम है, राधा कृष्ण का प्रेम, वह मर्यादित प्रेम है, वह लौकिक प्रेम ना हो करके आध्यात्मिक प्रेम है। परंतु विद्यापति जो राधा कृष्ण के प्रेम का चित्रण करते हैं या राधा और कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन प्रस्तुत करते हैं, वहाँ पर वे सामान्य नायक नायिका के रूप में आते हैं। राधा के जब नक्षिक सौंदर्य का वर्णन विद्यापति करते हैं, तो जिस तरह से एक एक अंग का वर्णन विद्यापति करते चले जा रहे हैं, वहाँ पर कहीं पर भी राधा उनकी आराध्या के रूप में या देवी के रूप में नहीं है, वहाँ राधा एक नाम है एक सामान्य नायिका के रूप में। तो राधा और कृष्ण के मिलन के जो प्रसंग दिखाए गए हैं, या उनके सौंदर्य नक्षिक सौंदर्य का वर्णन है, या दोनों का अभिसार का या सूरत क्रीड़ा का जो वर्णन है, ये एक सामान्य नायक नायिका का एक लौकिक श्रृंगार के रूप में है। उसको हम कहीं भी आध्यात्मिक श्रृंगार या प्रतीकात्मक प्रेम नहीं कह सकते, जो कि हमें परवर्ती काल में चल करके जायसी के काव्य में दिखाई देता है, या सूर के काव्य में दिखाई देता है, या अन्य भक्त कवियों के काव्य में दिखाई देता है, विद्यापति का वैसा नहीं। विद्यापति श्रृंगार का वर्णन करते हैं तो खुल करके पूरी स्वच्छंदता से कर रहे हैं, और विद्यापति श्रृंगार में पूरी तन्मयता से रम गए हैं। वे जब उसका वर्णन करते हैं तो कहीं ऐसा नहीं लगता कि वो कोई आवरण दे रहे हैं, कोई छुपा रहे हैं। जैसे कि प्रारंभ में ही मैंने कहा था कि वे स्वतंत्र रूप से पूरी ईमानदारी के साथ उसको चित्रण करते हैं। और काव्य काव्यत्व की दृष्टि से देखा जाए, काव्य कला की दृष्टि से देखा जाए, गीति काव्य की दृष्टि से देखा जाए, तो परवर्ती कवियों के लिए विद्यापति जो है वो उल्लेखनीय है। परवर्ती कवियों के लिए वे स्रोत हैं, परवर्ती कवियों को उनसे प्रेरणा प्राप्त हुई है। और जिस तरह का सौंदर्य का चित्रण विद्यापति ने किया है, हिंदी साहित्य में हम देखें तो छायावाद से पूर्व किसी अन्य कवि ने इतना सुंदर, इतना मनोरम, इतना रमणीय सौंदर्य चित्रण नहीं किया है। और विद्यापति हमेशा नए से नए शब्दों को लेते हैं, शब्द संयोजन उनका, शब्द भंडार अतुलनीय है, अपूर्व है, नवीन उपमान, नवीन कल्पनाएं लेते हैं, नवीन उनकी शब्द योजनाएं हैं। तो इस तरह से मैथिली को लोक भाषा से उठा करके एक परिनिष्ठित साहित्यिक भाषा का दर्जा प्रदान करने में विद्यापति का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो इस तरह से विद्यापति पर आज हमने चर्चा की। धन्यवाद। और हम धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर विनीता कुमारी को, जिनके माध्यम से आज हमने विद्यापति जी पर चर्चा की, उनके काव्य पर चर्चा की। मित्रों, हम यही चाहते हैं कि आपके सुझाव, आपके प्रश्न, आपकी प्रतिक्रियाएं ज़रूर हम तक पहुंचती रहें, और वो भी निरंतर। इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमसे संपर्क करें। हमसे संपर्क करने के लिए आप हमारी ईमेल आईडी नोट कर लें। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं इस आईडी पर info.cec@nic.in। इस लेक्चर को जल्द आप सभी के लिए YouTube पर अपलोड किया जाएगा। आप जितनी बार चाहें लेक्चर को देखें और उसके बाद हमें लिंक भेजें। आप सभी से पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। नमस्कार अनीता जी। नमस्कार।